जहानाबाद से पूर्व सांसद रहे डॉक्टर अरुण कुमार का आज जहानाबाद के घोसी के पीतामपुर में भव्य स्वागत किया गया। लोगों ने उन्हें फूल माला और बांसुरी बजाकर उनका अभिनंदन किया। आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे चुके डॉक्टर अरुण कुमार मंगलवार को बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए थे। इसके साथ ही उन्होंने जहानाबाद संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। जहानाबाद से सांसद रह चुके डॉक्टर अरुण कुमार ने बताया था कि क्षेत्र की जनता उनसे चुनाव लड़ने को लगातार कह रही थी। इसके बाद उन्होंने इस संबंध में फैसला लिया। लोजपा छोड़ने के बाद से ही समर्थकों और राजनीतिक साथियों से संवाद का दौर लगातार जारी था। इस संदर्भ में समान विचार वाले राजनीतिक दलों से भी विमर्श उन्होंने किया था। और वैसे राजनीतिक दल जो बहुजन समाज व शोषितों वंचितों के हित के साथ ही सवर्णों के सम्मान की गारंटी दे सके। अब इसके बाद इनका ये पहला क्षेत्रीय दौरा है। जहानाबाद में पीतामपुर में उनका जमकर स्वागत हुआ। लोगों ने खूब उन्हें प्यार दिया है। अरुण कुमार के चुनाव लड़ने से अब जहानाबाद की राजनीति में थोड़ा उथल पुथल तो मचने वाला ज़रूर है। अब देखना होगा कि बाजी कौन मार जाता है। सभी पार्टियां अपनी जोड़ आजमाइश में लगी हुई हैं, जोर शोर से उतर चुकी हैं। अब देखना होगा कि अरुण कुमार का चुनाव लड़ने के बाद किस तरीके से वहाँ का समीकरण बदलता है। फिलहाल इसी तरह की तमाम खबरों के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। संगे अपन है।